इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम और चुनाव आयोग से की चुनाव आगे बढ़ाने की अपील। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव होने चाहिए या नहीं। विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब सीएम का बड़ा दाव, पंजाब की चन्नी सरकार ने किया ऐलान, किसानों का 2 लाख तक का कर्ज किया माफ। कपूरथला में हुई थी मॉब लीचिंग, सीएम चन्नी बोले, बेअदबी का कोई सबूत नहीं, युवक की हत्या की गई, कार्रवाई जल्द। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी पुलिस को दी खुलेआम धमकी, बोले, योगी के मठ चले जाने के बाद तुझे कौन बचाएगा। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, लुधियाना में ब्लास्ट वाली जगह जाएंगे, केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट। डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की होगी मुलाकात, कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के ट्वीट ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। गुजरात में हुआ हादसा, बड़ोदरा की एक कंपनी में धमाके के बाद लगी आग, 6 से ज्यादा मजदूर घायल। ओमिक्रोन ने बढ़ाई चिंता, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू में होगी सख्ती, गाइडलाइन की तैयारी, न्यू ईयर के भीड़भाड़ वाले इवेंट पर लग सकती है रोक। ओमिक्रोन के दस्तक से सतर्क हुई राज्य सरकारें, एमपी के बाद अब यूपी में भी नाइट कर्फ्यू, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी। ओमिक्रोन के डर के बीच राहत भरी खबर, देश भर में मिले महज 6,650 नए कोरोना मामले। पहली बार हॉलीवुड फिल्मों में दिखेंगे सऊदी के नजारे, कभी फिल्मों पर बैन लगाने वाला सऊदी अरब डेजर्ट का हॉलीवुड बन रहा, हर शहर में खुल रहे सिनेमा हॉल। भारत दौरे पर श्रीलंका के पीएम तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंचे महिंदा राजपक्षे, मंदिर में की पूजा। कोरोना का कहर, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एक दिन में 8,000 केस, इंडोर में मास्क जरूरी। चीन से जापान भी परेशान, टक्कर देने को रक्षा बजट में की है भारी बढ़ोतरी। पीएम इमरान का नया पाकिस्तान, कराची की बेकरीज का केक पर मैरी क्रिसमस लिखने से इनकार, बवाल के बावजूद सरकार चुप। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया आदेश, 2 सालों तक संभाल कर रखें कस्टमर्स के कॉल डिटेल और इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। 1 जनवरी से रेलवे करने जा रहा बड़ा बदलाव, बिना रिजर्वेशन के भी 20 जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट के जरिए यात्रा करने का दे रहा है मौका। ट्रेंड हुआ हैशटैग #Boycott83, फिल्म के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग, यूजर्स 83 नहीं देखने की कर रहे अपील। एक्टर अनिल कपूर का जन्मदिन आज, कभी राज कपूर के गैरेज में परिवार के साथ रहते थे अनिल कपूर, वो 7 दिन से मिला ब्रेक और फिर मुड़कर नहीं देखा पीछे। अंडर-19 एशिया कप में भारत का जीत के साथ आगाज, यूएई को 154 रनों से हराया, अगला मुकाबला पाकिस्तान से।